प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल विथ हु मिश्रा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कशन अबाउट सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास टेंथ का सिलेबस। यहाँ देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास टेंथ, जिसका कोड है 165 एंड सेशन 2020-21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधु मिश्रा। तो यदि हम कंपेरिजन करें क्लास नाइन्थ और टेंथ के सिलेबस का, तो काफ़ी कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलता है इस पूरे सिलेबस में। मैं बताऊंगा आपको सीबीएसई ने क्या क्या चेंज किया है कि नहीं किया है, कितने क्या इसका मार्किंग स्कीम है, प्रैक्टिकल का, थियोरी का, मैं सब कुछ आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स दिया हुआ है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट नंबर वन की बात करें, एबिलिटी टू क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट, आपको इसमें सीखना है वेबसाइट कैसे बनता है। वेब पेज, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। आपको इसमें एचटीएमएल के थ्रू, सीएसएस के थ्रू आपको वेबसाइट का पेजेस बनाना पड़ता है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है एचटीएमएल, और आपके एचटीएमएल का काफ़ी डिमांड भी है आजकल है। चलते हैं पॉइंट नंबर टू पे, एबिलिटी टू एम्बेड इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन एचटीएमएल पेजेस। इट मीन्स आपको इस पोर्शन में आपको सीखना है कैसे आपको एचटीएमएल कोड के थ्रू, एट्रीब्यूट्स के थ्रू, टैग के थ्रू आपको ऑडियो वीडियो इमेजेस आप इंसर्ट कर सकते हैं। टीचर्स आपको हर एक पॉइंट्स अच्छे से आपको समझाएंगे। मैं इसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। कोई भी क्वेरीज, आपका डाउट, कोडिंग, टैक्स, कुछ भी होगा, आप एकदम डेफिनेटली एकदम फ्रैंक आप हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं थर्ड पॉइंट के पास। देखिए, थर्ड पॉइंट बता रहा है कि एबिलिटी टू यूज स्टाइल शीट्स टू ब्यूटिफाई द वेब पेजेस। आप किसी भी वेब पेज को, उसके स्टाइल शीट को आप एकदम सुंदर, अच्छा, इफेक्टिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो आपको ये ध्यान देना होगा कौन सा टैग का यूज़ क्या है और कौन सा टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमको यूज़ करना है। ये सब गाइस स्टूडेंट्स डिपेंड करता है प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिस पे। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है कोडिंग पे, तो काफ़ी आप अच्छा कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम भी, मार्किंग स्कोरिंग भी है ये। आइए पॉइंट नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर फोर्थ में क्या, आपका एबिलिटी टू राइट इटरेटिव प्रोग्राम्स विथ स्क्रैच एंड पाइथन। मतलब यदि हम इसका बात करें, पाइथन और स्क्रैच, यही जो फोर्थ पॉइंट है जो आपका नाइन्थ और टेंथ में आपका मैच करता है, वहाँ थोड़ा सा सिंपल है, बेसिक है, फंडामेंटल्स है, थोड़ा सा टेंथ में आपको आके यहाँ पे एडवांस मिलता है। लूपिंग वूपिंग आपको यहाँ पढ़ना पड़ता है, फॉर लूप से आपका नंबर प्रिंट करना है, ऐड करना है, नेचुरल नंबर को ऐड करना है, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। तो आपको गाइज मैं बता दूँ, यहाँ पे स्क्रैच और पाइथन, यहाँ देखिए स्क्रैच एंड पाइथन, दोनों में से आपको कोई एक चूज करना पड़ता है। मोस्टली स्टूडेंट्स, मोस्टली स्कूल्स आपको पाइथन ही प्रेफर करता है, क्योंकि इसका रीज़न मैं बता दूँ आपको कि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको अपर क्लासेस में, अबव क्लासेस में, 11th हुआ, 12th हुआ, BCA, MCA, जो भी आप पढ़ोगे ऊपर क्लासेस, आपको पाइथन हर जगह आपको मिलने वाला है। तो पाइथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस काफ़ी कुछ हद तक अच्छा करना होता है। आइए मैं बात करूँगा अभी आगे चल के। देखिए, फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एबिलिटी टू इंटरफेस अ वेबसाइट विद अ वेब सर्वर एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ अ यूजर्स रिक्वेस्ट। यहाँ पे सारे वेबसाइट का जो सर्वर है, सर्वर क्या होता है, सर्वर के काम कैसे करता है क्लाइंट के साथ, जिसमें दो के बीच डाटा ट्रांसफरिंग होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, कैसे होता है, क्या होता है, सब आपको पढ़ना है इसमें। देखिए यहाँ पे एबिलिटी टू फॉलो बेसिक साइबर इथिक्स, इसमें आपको साइबर इथिक्स के बारे में पढ़ना है, कुछ इसमें प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, कैसे फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। आज चलते हैं सेवन पॉइंट्स पे, एबिलिटी टू फेमिलाइज विद द नेटवर्क कॉन्सेप्ट, इसमें आपको नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, लैन, मैन, वैन, कैन, पैन, सैन, सबका फुल फॉर्म है, सबका नेटवर्क का कितना रेंज होता है, किसमें क्या टाइप्स है, कौन कितने एरिया में है, किसका स्पीड क्या है, किसका रेंज क्या है, इसमें सब कुछ डिटेल्स में आपको पढ़ना होता है गाइज। तो स्टूडेंट, मैं आपका आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी इसमें आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। और मैं बात करूँ यदि इसके सिलेबस का टॉपिक का, सब कुछ आपके लाइफ में यूज़ होने वाला है। चले आते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, आपका चार्ट ओपन होकर आ गया, टेबल हमारे पास है जो सिंपल सा यहाँ पे बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स, कौन सा ये यूनिट्स कितने मार्क्स का है और कितने पीरियड्स में उसको खत्म करना है, क्या उसका पॉइंट्स है। आइए समझते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 5 दिया गया है, हम इन 5 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स नंबर 1 का। तो यहाँ पे पहला आपको दिया है नेटवर्किंग के बारे में, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, मॉडेम क्या है, डाटा कैसे ट्रांसफर होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। और ये आपका 10 मार्क्स का होता है, देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे शो कर रहा है, काफ़ी स्कोरिंग मार्क्स है गाइस। स्टूडेंट्स देखिए, आपका सेकंड जो यूनिट है वो आपका HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी के हेल्प से आपको क्रिएट करना है वेबसाइट का वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ CSS।
एंड ऑल्सो एट्रीब्यूट्स एंड टैग, ये देखिए साहब से काफ़ी स्कोरिंग मार्क्स सही होता है एचटीएमएल का। टोटली डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिकल, थ्योरी भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल इसमें इंपॉर्टेंस होता है इसका। देखिए 20 मार्क्स का इसमें है, साइबर इथिक्स आपका 10 मार्क्स का इसमें है। साइबर इथिक्स का मतलब साइबर से रिलेटेड आपका, आप जितने सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जितने आप सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, क्या क्या उसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी है, ये सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आप डेली लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ आपको इसमें टीचर्स बताएंगे। आपको खुद पढ़ना है, खुद आपको समझना भी है इसमें, क्योंकि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काफ़ी मस्त होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ का, तो इसमें आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्क्रैच एंड पाइथन, जैसा कि ऊपर आपसे मैं डिटेल में बात कर रहा था। यहाँ पे आपको स्क्रैच या पाइथन दोनों में से कोई एक आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स का है, यहाँ पे 15 थ्योरी क्लासेस है इसका एंड प्रैक्टिकल आपका 60 का है, काफ़ी हाई इसमें आपका प्रैक्टिकल है मार्क्स है। इसलिए मैंने बोला आपसे कि ये आपका प्रोग्रामिंग हुआ एचटीएमएल हुआ टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल्स होता है, प्रैक्टिस होता है। जितनी आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा, प्रैक्टिस अच्छा होगा, उतनी आप इसमें अच्छा आप कर पाएंगे। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल्स आपका 50 मार्क्स का इसमें है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो आपका जो इसमें टोटल आपके यहाँ पे मिलता है आपका 100, इसमें आपका मैं बता दूँ आपका को 50 प्रैक्टिकल मार्क्स एंड 50 आपका थ्योरी मार्क्स। देखिए 10 प्लस 20 प्लस 10 और प्लस 10 टोटल आपका होता है आपका 50, 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल इक्वल टू आपका हो गया क्या 100। देखिए यहाँ पे 100 है, ये आपके पीरियड्स दिया गया है, थ्योरी का अलग है प्रैक्टिकल्स का अलग है। आइए हम थोड़ा सा इसको बिल्कुल हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे नेटवर्किंग क्या क्या इसमें आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ने होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या है, टीम बर्नर्स-ली ने इसको डिस्कवर किया था, वेब सर्वर क्या है, वेब क्लाइंट्स क्या है, डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है इसमें क्लाइंट्स और गाइस सर्वर के बीच में, ये पढ़ना है आपको। वेब पेजेस क्या है, होम पेजेस क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या होता है, ब्लॉग्स क्या है, न्यूज़ ग्रुप क्या है, एचटीएमएल वेब एड्रेस क्या है, ईमेल क्या होता है, ईमेल के अंदर प्रोटोकॉल्स बहुत सारे यूज होते हैं जिसको बोलते हैं HTTP, SMTP, TCP/IP, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। IMAP होता है इसमें, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कुछ इंपॉर्टेंस प्रोटोकॉल्स है। SMTP आपको 1-1 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का पूछता है कभी कभी, काफ़ी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। POP3 है, HTTP है, HTTPS का मतलब होता है सिक्योर, रिमोट लॉगिन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SFTP है, FTP है, SCP है, टेलनेट है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, SMTP है, TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आई चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ आपको पढ़ना है सर्विसेज के बारे में, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे सर्विसेज है, यहाँ पे वेब सर्विसेज है, चैट हुआ, ईमेल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ई लर्निंग है, ई बैंकिंग है, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्न, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई ग्रुप्स है, सोशल नेटवर्किंग है। गाइज ये सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट में, आपके अगल बगल सब कुछ ये यूज होता है, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। आपके पास नॉलेज और अधिक हो सके, कोई आपसे पूछे तो आप नॉलेज दे सके। देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी है, SMS है, MMS है, 3G 4G है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अब तो आपका फिर जनरेशन आपका आने वाला है। देखिए यहाँ पे HTML की बात करें तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना, वेब पेजेस क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है, यूजिंग HTML क्या है, क्रिएट एंड सेव HTML है। यहाँ पे यदि बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड का, तो HTML टैग्स है, HTML हेड बॉडी। गाइज स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे इसमें टैग्स होते हैं और टैग्स के अंदर आप एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं डिज़ाइन के लिए। देखिए आप एट्रीब्यूट टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, बीजी कलर है, लिंक है, वी लिंक, ए लिंक है, विजिटेड लिंक, एक्टिव लिंक, BR ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रूल्स, HR लाइन बनाने के लिए, रूल इंसर्टिंग कमेंट्स, H1 to H6, हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अनऑर्डर लिस्ट, UL होता है, OL होता है इसमें। आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है जिसको बोलते हैं DL, यहाँ पे DD है, एट्रीब्यूट्स ऑफ OL स्टार्ट होता है, UL में आपका टाइप होता है, ये दोनों आपको ध्यान देने वाली बात है। OL में केवल दो एट्रीब्यूट्स होता है, एक स्टार्ट और एक टाइप, UL में केवल एक ही होता है टाइप। ये क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करना है, आपको सब टीचर्स पढ़ाएंगे। बात करते हैं फॉन्ट, फॉन्ट टैक्स है, एट्रीब्यूट्स है, फॉन्ट साइज कलर है, आप सबको यूज़ करना है इसमें। इंसर्टिंग इमेज, हाउ टू इंसर्ट द इमेज इन HTML, कैसे आपको इमेज को इंसर्ट करना होता है। देखिए यहाँ पे HTML फॉर्म्स, फॉर्म आपको क्रिएट करना है इसमें, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन से सब कुछ आपको, अलग अलग पासवर्ड यहाँ पे, जैसे आप लॉगिन ID बनाते हैं उसमें आपको पासवर्ड का यूज़ करना होता है। देखिए अब ऑडियो वीडियो की बात करते हैं, ऑडियो वीडियो आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप चलते हैं आगे, लिंक्स की लिंक बात करते हैं, टारगेट्स है, आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसको हम बोलते हैं CSS, कलर यूज़ करना है, बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, बॉर्डर स्टाइल, मार्जिन, हाइट, विड्थ, आउटलाइन। देखिए बहुत सारा नॉलेज है इसमें गाइस, बहुत सारा नॉलेज है इसमें, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा ईयर पूरा साल पढ़ना है। अभी अभी समय आपको ऑल द बेस्ट बोल दे रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी डाउट हो आप टीचर्स से
और डायरेक्ट आप मुझसे भी आप कंसल्ट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। साइबर एथिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमें साइबर आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका आता है साइबर एथिक्स। इसमें आपको वही मैंने बताया इसमें साइबर से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, कौन कौन सा प्राइवेसी आपको यूज़ करना है। गाइज देखिए यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर दिया है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट होता है। ओपन सोर्स का गाइज मतलब होता है फ्रीली आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है प्लगइन्स में, डिजिटल प्रॉपर्टी है राइट्स है, क्या क्या इसके राइट्स होते हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे इसको रिमूव करना है। गाइज मतलब हर एक चीज़, हर एक टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, समझना है, काफ़ी कुछ नॉलेज है इसमें स्टूडेंट्स। आपको बस अच्छे से पढ़ना है पूरी पूरा ईयर पूरा साल इसमें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, द डिजिटल डिवाइडेड है, ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स से आपको शॉपिंग आता है, कैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, कैसे आप खरीदारी करते हैं, कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। देखिए यहाँ प्राइवेसी आ गया, फ्रॉड आ गया, फ्रॉड का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी स्मार्ट है आजकल के बच्चे, सब कुछ समझ रहे हैं, डेली आप उसको यूज़ कर रहे हैं। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है वी कैन सेंड द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इट मीन्स बिटवीन सर्वर टू क्लाइंट, सोर्स टू डेस्टिनेशन। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसका। आपको फोर्थ यूनिट आता है स्क्रैच एंड पाइथन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, टॉपिक है गाइज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। आपको शुरू से लास्ट तक इसको पढ़ना है पाइथन, नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवंथ में, ट्वेल्थ में, बीसीए में, एमसीए में, आपको हर जगह इसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, आईटी फील्ड में, आईटी कंपनीज में, हर जगह इसका डिमांड है स्टूडेंट्स। आपको इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है, थ्योरी है प्रैक्टिकल में दोनों पे आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिकल खास तौर पे आपको इस पे ध्यान देना है अच्छे से एकदम, और आप इस पे घर पे भी करिएगा प्रैक्टिकल, हर एक कोडिंग में बताऊँगा आपको। स्क्रैच या पाइथन आपको दोनों में से कोई एक आपको यूज़ करना है। देखिए पाइथन हर एक टीचर स्टूडेंट्स स्कूल्स आपको इस पे पाइथन को प्रेफर करते हैं। देखिए रिवीजन ऑफ पाइथन, पाइथन कैसे इंस्टॉल होता है, आइडियली क्या है, कैसे है, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना है इसमें। इसमें आइडियली को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंक्रिप्टिव होता है, स्क्रिप्टिव होता है, दोनों में काम कैसे करते हैं, दोनों अलग अलग मोड होते हैं, दोनों मोड में कैसे करना है, क्या करना है, बहुत कुछ उसमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। यहाँ आइए आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, कंडीशनल इफ इल्स स्टेटमेंट है आपका। इफ इल्स का यूज़ करके आप इवन आर्ट फाइंड कर सकते हैं, आपको एज निकालना है वो फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, बहुत सारा इसमें कोडिंग है स्टूडेंट्स। बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलने वाला है इस ईयर में आपको। देखिए यहाँ पे लूप्स की बात करें, फॉर लूप, वाइल लूप, इसमें आप किसी भी समय फर्स्ट नेचुरल नंबर को आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको यही इस बार जो पेपर हुआ था आपका प्रैक्टिस पेपर, इसमें आप पूछा गया था ये, किसी भी 10 नेचुरल नंबर का एडिशन, किसी भी इवन नंबर का एडिशन, सबट्रैक्शन, आप कुछ भी आप इससे फाइंड कर सकते हैं। मैं बताऊँगा आपको हर एक कोडिंग बताऊँगा गाइज, और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं डेफिनेटली, एकदम विदाउट एकदम फ्रैंक विदाउट फ्रैंक। आज चलते हैं प्रैक्टिस सिंपल पेपर, यहाँ पे सिंपल पेपर प्रोग्राम्स यहाँ पे कुछ दिया गया है जो पहले से डिफाइन है। क्रिएट स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक है एंड डायनेमिक वेब पेज आपको बनाना सीखना है। यहाँ पे देखिए आपको ये सीखना है, ऑडियो वीडियो सीखना है, कैसे इसको इंसर्ट करेंगे आप। एड टेबल, टेबल आप कैसे बनाएंगे, रो एंड कॉलम इसमें होता है। फ्रेम कैसे बनाएंगे गाइस, फ्रेम फ्रेम के अंदर आपको पासवर्ड है, जे चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, बहुत सारे इसमें बॉक्सेस होते हैं, वो कैसे आप बनाएंगे। फ्रेम्स अंदर फॉर्म कैसे बनाएंगे आप, डेकोरेट करना, डेकोरेट आप समझ रहे हैं, इसको सुंदर कैसे बना सकते हैं, इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। ग्राफिकल एलिमेंट्स आपको कैसे यूज़ करना है। क्रिएट अ वेबसाइट, यहाँ पे देखिए बहुत सारा इसमें इफेक्टिव चीज़ें हैं, ओपन सोर्स है। वर्क विद एचटीएमएल फॉर्म्स है, देखिए जिसकी हम बात अभी हम कर रहे थे। राइट अ ब्लॉग, ब्लॉग कैसे आपको यूज़ करना है, ब्लॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये गूगल का एक फीचर है, गूगल का एक एप्लीकेशन जिसको यूज़ करके आप अपना शेयर, अपना आइडियाज़ आप पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको लोग उस पर लोग विजिट करेंगे, आपके आइडियाज़ को लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, काफ़ी आपको व्यू मिलता है, काफ़ी आपका अपॉर्चुनिटी इसमें है। डिस्कसिंग वायरसेस है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज के बारे में पढ़ा जाएगा, मालवेयर क्या है, स्पैम क्या है, एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस कौन सा इंस्टॉल कर रहा है, कौन सा इंस्टॉल नहीं करना है, क्या क्या किसके फीचर्स है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे, क्रिएट अ वेब पेज, डिस्कसिंग प्लगइन्स आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या इसके इंपॉर्टेंस है। बात करते हैं पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एज पर देयर आईपी लॉज, आईपी में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या क्या उसके लॉज हैं, देखिए बात करते आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स का, ब्रेकअप ऑफ मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल में क्या है मार्किंग स्कीम है इसका स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए यूनिट का नाम दिया गया है, कितने कितने मार्क्स का ये है। देखिए बात करते हैं लैब टेस्ट का, तो आपका लैब टेस्ट आपका 30 मार्क्स का है। इसमें करना क्या है आपको, एचटीएमएल है, डिज़ाइन वन पेज बेस्ड ऑन अ डायग्राम, आपको एक एक डायग्राम दिया रहेगा, उसी डायग्राम के बेस्ट पे आपको कोडिंग करना है, वेब पेज डिज़ाइन करना है, आपको टैग्स और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। स्क्रैच या पाइथन में से किसी एक का आपको राइट वन प्रोग्राम, आपको कोई एक वन प्रोग्राम राइट करना है,
आपको करके दिखा रहा है प्रैक्टिकल में, लैब में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपका ये 15 मार्क्स का HTML और आपका 15 मार्क्स का पाइथन, काफ़ी स्कोरिंग है गाइस स्टूडेंट्स। देखिए और आपका यदि रिपोर्ट फाइल की बात करें, जो आप रिपोर्ट फाइल बनाते हैं वो आपका 10 मार्क्स का है। उसमें करना क्या है आपको, रिपोर्ट फाइल के अंदर एटलीस्ट 10 HTML पेजेस आपको बनाना है एंड फाइव आपको बनाना है पाइथन प्रोग्राम्स या स्क्रैच प्रोग्राम। टीचर आपको समझाएंगे कि 10 HTML का पेज कैसे बनाएंगे, क्या करना है उसमें, और आपको फाइव प्रोग्राम्स कौन कौन सा बनाना है। आपको जब पढ़ेंगे गाइस स्टूडेंट्स तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मुझे फाइल कैसे बनानी है। किसी का हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बनाइए, खुद से समझिए, काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मोटा आप टीचर से हेल्प आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे वाइबा की बात करते हैं। वाइबा आपका इसमें 2 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पे सबके आगे मार्किंग स्कीम यहाँ पे देखिए दिया गया है। बात करते हैं आपका प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट आपका कैसे क्रिएट करना है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन लर्न, मतलब जो आपने सीखा है, फिर मैं बोल रहा हूँ, जो आपने सीखा है उसी के बेस्ट पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बनाना है, कि आप जो आप सीखे रहेंगे उसी पे आप बनाएंगे, तो आप अच्छे से आप टीचर के सामने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आपको उसी के रिगार्डिंग अच्छा होगा। ये आपका टेन मार्क्स का है गाइज, काफ़ी अच्छा मार्क्स है, इसमें गेन कर सकते हैं। देखिए गाइज टोटल मिला के आपको यहाँ पे होता है 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स ऊपर मैंने बताया थ्योरी, और आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया आपका 50 मार्क्स। तो 50 + 50 = 100 मार्क्स। देखिए नीचे अब कुछ नहीं बचा आपका, यही पूरा आपका बीएफ था। मैं यहाँ पे एक बार पॉज कर दे रहा हूँ। देखिए गाइज ये आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एरिया है, प्रैक्टिकल सेक्शन है। क्या क्या किस कितने 50 मार्क्स किस में डिवाइड हुआ है, किस में इसका मार्किंग स्कीम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैं बात करता हूँ थ्योरी का, आइए ऊपर तो मैं दिखा दूँ आपको। थ्योरी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड। थ्योरी की बात करते हैं, यहाँ पे यूनिट नंबर, यूनिट नेम, मार्क्स। या आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप CBSE के साइट पे CBSE.NIC.IN के वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो गाइज लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। और जो भी आपका डाउट्स होगा, जो भी आपका क्वेरीज होगा, आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।